जो हमने विचारक के बारे में पढ़े थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, जिसको आप लोग को नोट करना है और उसे कॉपी बनाकर पढ़ना भी है, ताकि आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी दो चार पांच क्लास से हम क्वेश्चन आंसर ही दे रहे हैं, आप लोग इसको कंटिन्यू नोट करते जाइए। तो सबसे पहले जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएँ इस प्रकार हैं, जैसे कि मानव जीवन चरम लक्ष्य की प्राप्ति जो है वह निर्वाण के द्वारा होता है, और इसके त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है, जैसे सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत जो हमारे से अज्ञानता की प्राप्ति होती है उसको दूर करना है, और उसके बाद फिर दर्शन, दर्शन क्या है, ध्यान, जिसमें कि तीर्थकरों पर विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। फिर है सम्यक चरित्र, मतलब आचरण, हमको अपना आचरण जो है सही रखना है, सारे इंद्रियों पर हमें नियंत्रण करना है और अच्छे कार्य करना है। इस तरह से संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान है, मतलब ये लोग ये मानते हैं कि संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान है, मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं उसमें चेतन या अचेतन अवस्था जो भी है उसमें आत्मा का निवास लोग मानते हैं। जैसे कि आत्मा केवल मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि में ही नहीं, अपितु पेड़ पौधे, पत्थरों, जल, वायु सभी में लोग मानते हैं, क्योंकि जो जड़ चेतन किसी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये अहिंसा को मानते हैं, मतलब किसी भी तरह से जानबूझकर हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ इन लोग जो हैं जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल एकत्रित होता है, और साथ ही साथ कर्म फल को भोगने के लिए भी आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्मों का नाश करके ही मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा सकता है, और कर्मों का विकास विनाश के साथ साथ त्याग और तपस्या के द्वारा किया जा सकता है। मतलब संसार जो है त्याग के बिना कर्मों के छुटकारा नहीं पाया जा सकता, मतलब हमें अपना कर्म करना ही होगा। फिर जैन धर्म जो है पांच व्रतों अर्थात अहिंसा, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन इकट्ठा ना करना आदि जो नियम है उन पर अधिक बल देता है, जिससे कि जैन धर्म साधु साधु इन व्रतों का पालन करना आवश्यक, मतलब सिर्फ उनके पास उतनी ही चीजें होनी चाहिए जितनी कि उनके लिए आवश्यक है। फिर है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। मतलब जो सांची का स्तूप है जिसके बारे में हमने तुम लोग को बताया था, और जो ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसमें 19वीं सदी भोपाल के शासकों ने यूरोपीय सांची के स्तूप को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें कि यूरोपीय शुरू में ही सांची के स्तूप दिलचस्पी दिखाया, और फिर उसके जो पूर्वी तोरण द्वार था उसको फ्रांस के संग्रहालय ले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अंग्रेजों की भी इच्छा थी, परंतु साजा बेगम ने दोनों ही सांची प्लास्टर जो आप पेरिस से बनी प्रतिक्रिया देकर ही उनको संतुष्ट कर दिया था, मतलब इसको ले जाने से उन्हें मना कर दिया, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ था उसको उनको देकर संतुष्ट कर दिया। इस तरह से यह कृति जो है वो भोपाल में ही रह गई, और साजा बेगम उनकी उत्तराधिकारिणी सुल्तान जहाँ बेगम थी उन्होंने उस रख रखाव को बहुत ध्यान दिया, और बाद में वह संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण भी वहाँ पर करवाया। इस तरह से वहाँ पर इस तरह से सांची का स्तूप जो है उसके संरक्षण के लिए भोपाल की बीमा की भूमिका जो थी वह महत्वपूर्ण थी, उन्होंने उस समय उनको संरक्षण भी प्राप्त किया, मरम्मत भी करवाया, और यह भारतीय पुरातत्व का विभाग भी इसके का यही कार्य कर रहा है। फिर है सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान में कहाँ तक सहायता मिलती है, मतलब तो सांची के स्तूप जो बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए हैं, बहुत सारी चित्र द्वारा बने हुए हैं, मूर्तियाँ उसमें बनी हुई है जो उत्कीर्ण किए गए हैं, उसमें बहुत सारे जो नियम हैं, अशोक ने भी राजा थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें उसमें अभिलेख करवाया। तो इस तरह से बौद्ध साहित्य में सांची की जो मूर्तिकला को समझने के लिए हमारी महत्वपूर्ण सहायता करता है। कैसे, जैसे कि सांची की मूर्तियाँ उल्लेखित सामाजिक मानव जीवन के अनेक बातों को समझने के लिए, मतलब हम जब इतिहास के बारे में जानकारी पढ़ते हैं, अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जिसकी जानकारी हमें उसके द्वारा ही प्राप्त होती है, या फिर हम अनुमान लगाकर उसको का पता करते हैं। तो इस तरह से उसमें चित्र में जैसे घास फूस बने हैं, झोपड़ियाँ बनी हैं, पेड़ बने हैं, स्त्री पुरुष बच्चे दिखाई देते हैं, इससे ये लगता है कि ये ग्रामीण का दृश्य है, मतलब ये सब चीज़ें देखकर ये हमारे दिमाग में कल्पना हो जाती है कि ये ग्रामीण का क्षेत्र का है, और यदि वही चीज़ यदि हमें वहाँ पर शहर दिखते, लोग घूमते हुए दिखते, बाजार दिखता, तो हम समझ जाते कि ये शहरी क्षेत्र। इसी तरह से मूर्ति कला में जो गहनता पूर्वक जो अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों ने
जो कला इतिहासकार है उन्होंने मूर्ति के अंश में वेशांतर जातक एक कथा का दृश्य भी दिखता है, मतलब एक कहानी उसमें दिखाई देती है उन्हें, जिसमें एक दानी राजकुमार को उल्लेख किया गया है, एक ब्राह्मण को दान दे दिया, उसके बाद स्वयं की स्त्री बच्चों को के साथ जंगल में रहने चला गया। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहासकार जो है मूर्तियों के अध्ययन संबंध में भी ग्रंथों की सहायता करते हैं। जैसे इतिहास हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा था, इतिहास जानने के लिए जो पुरातत्व अभिलेख हैं उसके बारे में जो हमने पढ़े थे, वह ये वही चीज़ें हैं। फिर विद्वान इतिहासकार बौद्ध चरित लेखन भांति भांति बौद्ध की मूर्तिकला प्राप्त है, उसकी जीवनी से संबंधित मूर्तिकला प्राप्त है। इस तरह से हमें ये प्राप्त होता है कि किस तरह से स्तूप में जो है उनके ध्यान दिए हुआ है, महानिर्वाण प्राप्त करने का प्रतीक है, फिर चक्रधर महात्मा द्वारा बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक बन गया। इस तरह से वाराणसी से सारनाथ तक, मतलब इस तरह से आषाढ़ पूर्णिमा को हम उनका पहला उपदेश दिया था, जिसे कि हम चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म के पहिए को घुमाने के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। फिर सांची में ही पशुओं के अत्यधिक सुंदर और सजीव चित्रों का भी अंकन किया गया, जिसमें हाथी घोड़े बंदर गाय बैल आदि अंकित किए गए। इस तरह से जातक ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय जो है वर्णित पशु कथाओं से भी संबंधित था। तो इसे कुछ विद्वान जो है मूर्ति के बुद्ध की माता माया भी मानते हैं, बताते हैं कि यह जो सौभाग्य देवी गज लक्ष्मी जो है वह को हमेशा प्राय हाथियों में ही दिखाया गया है, क्योंकि विद्वानों का विचार है कि उपासक जो थे इस संबंध माया या गजलक्ष्मी दोनों के साथ ही मानते हैं। इस तरह से यहाँ पर अनेक प्रकार की जो मूर्तियों के संबंध में बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि मूर्तियों के अंकन ने लोक परंपराओं को भी प्रभावित किया, और सांची स्तूप के तोरण द्वार जो है सुंदर स्त्रियों की मूर्ति को उत्कीर्ण की गई है। फिर कई बार जैसे हमने पहले भी बताया आपको, तोरण द्वार के किनारे पेड़ पर लटकी हुई टहनियाँ इस तरह से झूलते हुए महिलाएँ दिखाई देती हैं। तो इसी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध भी दृष्टिगोचर होता है, जैसे कि हमें जैसे स्पर्श से फल फूल भर जाते हैं, उनके उनमें फल लगने लगते हैं। जैसे बौद्ध जो धर्म जब प्रवेश करने लगे तो लोगों में परंपराओं धारणाओं का भी परित्याग नहीं किया गया, बल्कि बौद्ध धर्म समृद्ध बनाया गया। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध मूर्तिकला में पेड़ का अभिप्राय केवल एक पेड़ से नहीं है, अपितु चित्रांकन महात्मा बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। फिर वैष्णव वाद और शैववाद के उदय की जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला पर चर्चा, मतलब उस समय भी जो जैसे हमने आप लोगों को बताया था वैष्णववाद, वैष्णववाद जो विष्णु को मानने वाले थे, शैववाद जो शिव को मानने वाले थे, इसी तरह से परंपराओं में जो एक देवता की पूजा करके विशेष बल दिया गया, वैसे वैष्णव जिस तरह से भी जैसे कि विष्णु परंपरा विष्णु को शैव परंपरा वाले ने शिव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना है। फिर मूर्तिकला का विकास, अवतारवाद की भावना जो है उसमें महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि विष्णु के अवतारों की पूजा पर बल दिया गया, उनके अनेक अवतारों की मूर्तियां बनाई गई और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई, जिसमें कि प्रायः मनुष्य के रूप में उनकी मूर्तियां भी बनाई जाती थी, चित्रणों द्वारा देवी देवताओं की जुड़ी मिश्रित अवधारणाएँ भी थी। इस तरह से उनके प्रतीकों के चित्रांकन में शिरोवस्त्र आभूषणों आयुधों और बैठने की मुद्रा के द्वारा किया जाता था। उसी तरह ऐसा प्रतीत होता था कि भिन्न भिन्न भागों में विष्णु की भिन्न भिन्न जो रूप जो है वो लोकप्रिय है, जिसे को कि 10 रूप के रूप में माना जाता है। फिर विद्वान जो है इतिहासकार मूर्ति जुड़ी कई कथाओं को भली भांति अध्ययन करके भी उन्हें वास्तविक अर्थ समझने में सफल हुए हैं, मतलब तो जिस तरह से हम कथा को देखकर चित्र को देखकर जो चित्रित वहाँ चीज़ें हैं स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ आवागमन परिवहन व्यापारियों पुजारियों इनके परस्पर आदान प्रदान होता रहा होगा, उल्लेख पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। इस तरह से वासुदेव को कृष्ण को मतलब स्थानीय देवता के रूप में भी माना जाता है। फिर है वास्तुकला का विकास। वास्तुकला क्या है? वास्तुकला वही जब मंदिरों को जब निर्माण होता है तो उसमें जो उकेरे जाते हैं, मंदिरों को जो डिजाइन बनाए जाते हैं उनको किस तरह से बनना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मंदिरों के निर्माण जब उससे किया गया तो उस समय एक कमरा जो है चौकोर होता था, गर्भगृह के नाम से उसको जाना जाता था, एक दरवाजा होता था, दरवाजे में मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर प्रवेश कर सकता था, मतलब इस तरह गर्भगृह के ऊपर एक ऊंची संरचना वाली बनाई जाती थी जिसको कि शिखर कहा जाता है। तो जो गर्भगृह के ऊपर ऊंची संरचना होती थी उसको शिखर कहा जाता है। कई बार आप लोग जब जाएंगे 64 योगिनी के मंदिर जाएंगे तो वहाँ आप लोग देखेंगे बीच में जो मंदिर है वह छोटा सा मंदिर है, ऊपर के जो बना हुआ है उसको शिखर है, और जब थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो नीचे नर्मदा माता की जो मूर्ति है हम उसकी पूजा करते हैं, मतलब उसी तरह से ये सारी चित्र भी हुआ करती थी।
फिर वहाँ पर आप लोग देखेंगे, 64 योगिनी में भी आप लोग देखेंगे कि मतलब जिस तरह से ये बताया जा रहा है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तोरणद्वार हैं, उसके बाद आजू बाजू जल आपूर्ति की भी कई साधन हैं। जैसे स्थापत्य कला अधिकांश रूप से धर्म अनुप्राणित और मंदिरों का निर्माण भी हुआ करता था, जैसे कि देवगढ़ में देशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना का पार्वती मंदिर, तिगवागा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, ये उत्कृष्ट कला के लिए उल्लेखनीय है। ये कृत्रिम गुफाएं जो है वो बनाने की परंपरा बहुत पहले से प्रचलन में थी। जो कृत्रिम गुफाओं थे उनका निर्माण ईसा 30वीं शताब्दी में किया गया। इन गुफाओं का निर्माण जो है अशोक के आदेश आजीविका संप्रदाय संतों द्वारा किया गया था। इनमें भी भिन्न भिन्न डिजाइनों वाले हैं जो गुफाएं हैं, उनके भीतरी छत में सुंदर चित्रों से सज्जित किया गया है और स्तूप गुफाएं विहार हैं। इस तरह से गुफाएं पर्वतों को काट कर भी बनाई गई थी, जिसमें उदाहरण है एलोरा की गुफाएं जो शैलीकृत गुफाओं का उल्लेखनीय एक उदाहरण है। इसी तरह से जब वहाँ पर 7वीं शताब्दी में जो राजा महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन ने मालमपुरम में अनेक स्तंभों वाले विशाल कक्षों का तथा 7 एकाश्मीय मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें कि रथ मंदिर के नाम से इसे पूरी पहाड़ी को काट कर उसे मंदिर का रूप दिया गया और उसके साथ साथ उसे वैष्णववाद और शैववाद के उद्गम की मूर्ति और वास्तुकला के विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया गया। फिर स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, ये भी हमने आप लोगों को सब जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब हमने आपको पाठ पढ़ाते समय ये बताया कि स्तूप किस तरह बनाए जाते हैं। स्तूप जो है संस्कृत शब्द का अर्थ है, जिसको किसका अर्थ होता है ढेर, जिसमें कि स्तूप जो महात्मा बुद्ध के अनेक पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत भस्म आदि के पवित्र ग्रंथ पर बनाए गए हैं और उसके साथ साथ जो छोटे कक्ष बनाए जाते हैं। स्तूप की जो परंपरा थी वो तो प्रचलित पहले भी प्रचलित रही होगी, लेकिन बाद में इसे मतलब जब उनको मृत्यु हो गई तब अशोक अवदान के ग्रंथ में ये बौद्ध ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है, जिसमें मौर्य सम्राट जो है अशोक के महात्मा बुद्ध के अवशेषों के भाग प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांट कर उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। स्तूप बनाने के लिए दान राजाओं, धनी व्यक्तियों, शिल्पकारों, व्यापारियों, इन लोगों को भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा किए जाते थे, जिससे कि उसका निर्माण किया जा सके। कई जगह जो है सजावट है या अभिलेख है उस इन सबके दान की ओर लोगों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि उनके नाम भी हैं, कहीं कहीं ग्रामों के नाम भी हैं, शहरों के नाम भी हैं, व्यवसायों मतलब जिनने दिया है दान सबके नाम वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी तरह से स्तूप के निर्माण के लिए योजना जो है नीचे एक गोलाकार एक अर्धगोलाकार गुंबद बनाया जाता था जिसको अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर एक संरचना होती थी जिसको हर्मिका कहा जाता था। हर्मिका के ऊपर एक सीधा खंभा होता था जिसे यष्टि कहा जाता था। ऊपरी छतरी लगी होती थी और छत्रावली कहा जाता था, जिसको पवित्र स्थल के सांसारिक स्थान में पृथक पृथक करके चारों ओर एक वेदिका भी बना दी जाती थी, जिससे कि किसी प्रकार की साज सज्जा नहीं मिलती। मतलब सिर्फ ये साँचे भारत जो स्तूप है वहाँ पर ये साज सज्जा नहीं मिलती, क्योंकि ये पत्थर की वेदिकाएँ तोरण और पत्थर की वेदिकाएँ लकड़ी और बाँस से घेरे समान हुआ करते। इस तरह से कालांतर में स्तूप के टीले को भी ताकों या मूर्तियों के अलंकृत किया जाने लगा और बाद में इसे स्तूप के एक सुंदर उदाहरण भी है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग ये नोट जरूर कीजिएगा।